धर्मों में हम अक्सर ही अमृत वर्ड सुनते हैं। अमृत वर्ड आपने कभी मूवीज में भी सुना होगा, एक ऐसी चीज जो हमें अमर कर सकती है, एक ऐसी चीज जो हमें मरने से बचाती है। तो हम इस चीज की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि अमृत कोई चीज होती भी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके घर में एक अमृत चीज है, एक ऐसी चीज जिसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। दरअसल आयुर्वेद में कई चीजों को अमृत कहा गया है, ऐसी चीजें जो आपको मरने से बचा सकती हैं, ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी देंगी कि आप कैंसर, हार्ट अटैक ऐसी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हम जानते हैं कि आजकल हर घर में कितनी बीमारियां हैं, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है, कोई व्यक्ति मोटापे से, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के दिल में ब्लॉकेज हो चुकी है, किसी की किडनी में स्टोन्स हैं, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, न जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं हर घर में। लेकिन इसके लिए हम हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें कई तरह की दवाइयां देता है, जिस कारण से सभी घरों में ढेर सारी दवाइयां हैं। हमारी दिन की शुरुआत दवाइयों से होती है, हमारी रात दवाइयों से खत्म होती है। कारण क्या है? हम कारण कभी नहीं देखते। हम आजकल बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन हम सेहत के मामले में बिल्कुल अनपढ़ हैं। लेकिन अगर पुराने जमाने की बात करें तो हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी हमसे कम पढ़े लिखे थे, लेकिन सेहत के मामले में वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। आप देखिए, उनके समय में इतनी बीमारियां नहीं थी, अगर थी भी तो वो बिना डॉक्टर के पास जाए घर में ही उन्हें ठीक कर लेते थे। किस तरह से ठीक करते थे? अमृत से, क्योंकि हमारे घर की किचन में बहुत तरह के अमृत अवेलेबल हैं, जैसे कि शहद। शहद हर घर में होता है, लेकिन शहद को हम में से कोई ही व्यक्ति इस्तेमाल करता होगा। मे भी आप उसे महीने या दो महीने में एक बार टेस्ट के लिए चखते होंगे, लेकिन शहद एक ऐसा अमृत है जिसे अगर रोज सही ढंग से लिया जाए तो ये आपकी बॉडी को हमेशा स्वस्थ रखता है। कोई भी बीमारी हो, ये उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है। शहद को आयुर्वेद में अमृत कहा है। शहद को इस्तेमाल करने के कई ढंग भी आयुर्वेद में बताए गए हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि शहद को कभी भी घी के साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें आप देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद शहद का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी है। इसी तरह से शहद की दोस्ती भी है। शहद की दोस्ती है गुनगुने पानी के साथ, शहद की दोस्ती है गुनगुने दूध के साथ। लेकिन गर्म पानी या गर्म दूध में शहद ना मिलाएं, क्योंकि ज्यादा गर्म पानी में जब हम शहद मिलाते हैं तो शहद खराब हो जाता है। शहद को कभी भी गर्म नहीं किया जाता, लेकिन गुनगुना किया जा सकता है। अगर आप गुनगुने पानी के अंदर एक चम्मच शहद का मिलाकर सुबह खाली पेट इसे पीते हैं तो ये एक शहद पी रहे हैं आप। ऐसा शहद जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, एक ऐसा शहद जो आपको कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने की शक्ति देगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप शहद के जरिए बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ शहद की मदद से जड़ से खत्म हो जाती हैं? ऐसी बीमारियां जिससे आजकल हम सभी लोग परेशान हैं, वो सिर्फ शहद की मदद से सही हो सकती हैं। लेकिन हम लोग शहद का इस्तेमाल करते ही नहीं है। हम सारा दिन या तो पका हुआ खाना खाते हैं या कुछ ऐसा खाते हैं जो बॉडी को खराब करे। बॉडी को सही रखने वाली चीज हम कभी खाते ही नहीं है। इसीलिए हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके साथ कई ऐसी वस्तुएं शेयर करते हैं जिन्हें खाकर आप जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको शहद के बारे में बताएंगे। दोस्तों, शहद को किस तरह से लेना चाहिए? सुबह उठकर बासी मुंह आपको शहद को गुनगुने पानी में मिलाकर लेना है। एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद का मिलाएं और इस पानी को सुबह खाली पेट पिए। इस तरह से आपका पेट साफ होगा और आपकी बॉडी को बहुत ही फायदा होगा। लगातार अगर आप 3 महीने इस तरह से गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीते हैं तो जो बीमारियां आपकी जड़ से खत्म होगी उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर है आपकी कफ से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होती हैं। आयुर्वेद में कफ को एक दोष बताया गया है, एक ऐसा दोष जिससे हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं, सांस से जुड़ी हुई बीमारियां। अगर किसी का कफ बिगड़ जाए तो उसे सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस ऐसी कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर इस तरह से आपको कोई भी कफ की प्रॉब्लम है तो ये गुनगुना पानी और शहद आपके लिए अच्छा है। ये जुकाम को ठीक करता है, ट्यूबरक्लोसिस को, अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा है। अस्थमा के रोगी 3 महीने में इस बीमारी से निजात पा लेते हैं। अगर आप गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीते हैं तो ये आपके वजन को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। आजकल बहुत से लोग वजन को कम करने के लिए डाइट प्लान पर हो जाते हैं, बहुत से लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन दोस्तों, बॉडी का वेट कम करने के लिए आप शहद का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत खाते हैं फिर भी पतले हैं। कारण है उनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ही तेज होता है। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाना होगा, ना कि जिम जाने से कुछ होगा। आपको क्या करना है? सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर लगातार 3 महीने इसका सेवन करना है।
15 से 20 किलो वजन आप आसानी से कम कर सकते हैं बिना किसी डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज। क्योंकि आजकल के डाइट प्लान में ये बताया जाता है कि इंसान जितनी कैलोरीज लेता है उतना अधिक मोटा होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, हर जगह पर ये चीज लागू नहीं होती। क्योंकि बहुत से लोग, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे भी हैं, बहुत कुछ खाते हैं, काफी ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं, फिर भी पतले हैं। उसके उल्टे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही कम खाते हैं, मे बी वो 200, 300, 400 कैलोरीज दिन की लेते होंगे, फिर भी बहुत मोटे हैं। कारण है मेटाबॉलिज्म रेट। तो हर जगह पर ये डाइट प्लान काम नहीं आता, इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत ज्यादा डाइट प्लान भी कर लें, फिर भी उन लोगों का वजन कम नहीं होता। वजन कम करने का सबसे बढ़िया तरीका आयुर्वेद में बताया गया है, गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीना। वजन को कम करने के साथ साथ ये आपकी स्किन से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स खत्म करता है, जैसे कि पिंपल्स, दाग धब्बे, रिंकल्स। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हो चुके हैं तो आप सोचते होंगे कि शायद यह हार्मोनल चेंजेस की वजह से है, क्योंकि डॉक्टर ने भी आपको यही बताया होगा। लेकिन दोस्तों अगर यह हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता तो क्या सिर्फ इंसानों में ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं? आपने क्या कभी किसी जानवर के चेहरे पर पिंपल्स देखे हैं, या फिर हर एक इंसान के चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। हार्मोनल चेंजेस तो सभी में आते हैं, लेकिन पिंपल्स सिर्फ उन्हीं के निकलते हैं जिनकी बॉडी में गंदगी है, जिनका खून साफ नहीं है, जिनका पेट साफ नहीं है। जब आप सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीते हैं तो इससे आपका खून साफ होता है, आपका पेट साफ होता है, ऑटोमेटिकली पिंपल्स गायब हो जाते हैं। आपको किसी तरह की दवाई की जरूरत नहीं है, कोई टैबलेट नहीं चाहिए, कोई आपको सनस्क्रीन या कोई भी आपको चेहरे की क्रीम नहीं चाहिए। बिना क्रीम के आप अपने चेहरे के पिंपल्स गायब कर सकते हैं, साथ ही साथ आपकी स्किन के ऊपर से रिंकल्स और दाग धब्बे भी धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। आपकी आंखों के नीचे के काले घेरे ऑटोमेटिकली गायब होने लगेंगे। इसके अलावा गुनगुना पानी और शहद पेट को साफ करने के साथ साथ कब्ज की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। आजकल तकरीबन 90% लोगों का पेट साफ नहीं रहता, ज्यादातर लोगों को कब्ज रहती है। कारण है हमारा ज्यादा अनाज खाना, और अनाज में भी गेहूं का इस्तेमाल ज्यादा करना। अब आप सोचेंगे गेहूं क्यों? आप अपने हाथ में एक मुट्ठी भर गेहूं के दाने ले लीजिए और उसे आप चबाइए। आप देखेंगे जब आप गेहूं के दाने को चबाएंगे तो गेहूं के दाने में से कुछ पार्ट तो आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, बचा हुआ पार्ट आपके मुंह में च्युइंगम के रूप में बन जाएगा। ये च्युइंगम कहां से बनी? ये ग्लूटन है, ये वो चीज है जो आपके पेट में जाकर जम जाती है। इसलिए जो लोग ज्यादा गेहूं खाते हैं वो लोग ज्यादा मोटे होते हैं। कारण है ये अनाज हमारे पेट में जाकर चिपक जाता है, हमारे इंटेस्टाइन्स को ये कमजोर करता है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसे समझते ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बचपन से आदत हो चुकी है अनाज खाने की। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में 50% चीजें कच्ची खाते हैं, अनाज की जगह पर आप सैलेड या फिर फ्रूट्स खाते हैं, तो आप देखेंगे आप बहुत ही जल्दी स्वस्थ होने लगेंगे। शहद के सेवन से आप कैंसर को भी खत्म कर सकते हैं। आजकल कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ गई है, बहुत से लोग इस बीमारी का नाम तक नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। कैंसर बहुत तरह का है, स्टमक कैंसर, माउथ कैंसर, लंग्स कैंसर, कॉलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। अगर आप किसी भी तरह के कैंसर से बचना चाहते हैं तो गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीना आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि ये कैंसर को जड़ से खत्म करता है। ये कैंसर सेल्स को विकसित होने से रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करता है, जिससे कि हमारी बॉडी कैंसर से बची रहती है। इसके अलावा अगर अभी तक आपको डायबिटीज नहीं हुई है तो सफेद चीनी को छोड़कर शहद का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि आपको जिंदगी में कभी भी डायबिटीज ना हो, क्योंकि आजकल डायबिटीज का खतरा बहुत ही बढ़ गया है। डायबिटीज यानी कि मधुमेह, मधुमेह से धीरे धीरे इंसान का शरीर कमजोर होने लगता है। तो मधुमेह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप चीनी को आज ही बंद कर दें, क्योंकि चीनी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, जिसको कि बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, और धीरे धीरे हमारी बॉडी डायबिटीज का शिकार हो जाती है। तो आप शहद का इस्तेमाल करें, क्योंकि शहद बहुत ही जल्दी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है, बहुत इंस्टेंटली हमें एनर्जी देता है। शहद के सेवन से आप हार्ट अटैक से भी बच सकते हैं, क्योंकि शहद हमारे खून को साफ कर हमारी आर्टरीज की ब्लॉकेज को खत्म करता है। ये हमारी किडनी की सफाई भी करता है, किडनी स्टोन्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो आप शहद और गुनगुने पानी का सेवन करके देखिए, 1 से 2 महीने में आपके किडनी स्टोन्स गायब हो जाएंगे। अगर आप शहद को लहसुन की एक कली के साथ सुबह खाली पेट लेते हैं तो आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे। हम सभी की बॉडी में एक इम्यूनिटी होती है, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता। किसी की बॉडी में ज्यादा है, किसी की बॉडी में कम है। अगर कम है तो आपकी बॉडी जल्दी बीमार पड़ेगी, लेकिन अगर आप 1 चम्मच शहद के साथ 1 लहसुन की कली सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, जिससे आपकी बॉडी को बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से शहद के जरिए हम कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं और अपनी बॉडी को बहुत ही स्वस्थ रख सकते हैं।
यही आयुर्वेद की खासियत है कि एक चीज के जरिए देखिए कितनी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसी कारण से पुराने जमाने में लोग घर पर ही बीमारियों का इलाज कर लेते थे, क्योंकि पुराने जमाने में ना ही इतने डॉक्टर्स अवेलेबल थे और लोगों को आयुर्वेद का ज्ञान भी था। पुराने जमाने में हर घर में नीम अमरूद का पेड़ लगा होता था, हर घर में तुलसी का पौधा था, बहुत से घरों में गिलोय था। इसी कारण से वो लोग इन्हीं चीजों के जरिए बॉडी की सारी बीमारियां खत्म कर लेते थे। लेकिन आजकल हम लोगों के घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां तो हैं, लेकिन हम लोगों के पास एक गमला लगाने तक के लिए जगह नहीं है। हम लोग कुदरत से बहुत दूर हो गए हैं, जिसका नतीजा हम सभी के सामने है। आज हर कोई व्यक्ति बीमार है। ये सारी बीमारियां सिर्फ इंसानों को हैं। इंसान के अलावा कोई भी धरती पर रहने वाला जीव बीमार नहीं है, क्योंकि धरती पर रहने वाले सारे जीव कुदरत से जुड़े रहते हैं और कुदरत के नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। हम लोग कुदरत से अलग चलते हैं, इसीलिए हम लोग बीमारियों से घिरे हुए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमें जिंदगी में स्वस्थ रहना है, किस तरह से शहद हमारी बीमारियों को खत्म कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और अगर आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।